गुड मॉर्निंग एवरीवन। किड्स ईवीएस में आज हम लोग रिवीजन वर्क करेंगे। इसमें आज हम लोग नेम टू राइट करेंगे। ये मैं जान रही हूं कि ये नेम टू आपको पहले से लर्न है क्योंकि हम लोग पहले कर चुके हैं, लेकिन आज हम लोग इनको एक साथ करेंगे, है ना। स्टार्ट करते हैं। ओ यू आर आर एच ई एल पी ई आर एस हेल्पर्स, आर हेल्पर्स। आर हेल्पर्स आपके कौन कौन हेल्प करते हैं आपको सोचना है। आप कोई भी टू नेम राइट कर सकते हो। पोस्टमैन आपके लिए लेटर्स लेके आते हैं, मिल्कमैन आपके लिए मिल्क लेके आते हैं, डॉक्टर आपके हेल्थ की केयर करते हैं, नर्स आपकी जब कोई बीमार होता है तो उसकी देखभाल करती है, है ना। कॉबलर आपके शूज को मेंड करके देता है तो वो भी आपकी हेल्प करता है। तो आप कोई भी टू नेम राइट कर सकते हो, जैसे पी ओ एस टी पोस्ट एम ए एन मैन पोस्ट मैन डी ओ सी टी ओ डॉक्टर। नंबर टू टी एच आई एन जी एस थिंग्स एम ए टी ई मेड एफ आर ओ एम फ्रॉम डब्ल्यू डब्ल्यू डी वुड। थिंग्स मीन्स सामान चीजें, मेड फ्रॉम वुड, मेड मीन्स बनना, वुड मीन्स लकड़ी। दो चीजों के नाम, सामान के नाम राइट करने हैं आपको जो लकड़ी से बनते हैं। ऐसे लकड़ी से बहुत सारी चीजें बनती हैं। बेड बनता है, डोर बनता है, विंडो बनती है, कबर्ड बनता है, चेयर टेबल, ठीक है। तो आपको कोई भी टू थिंग्स के नेम राइट करने हैं, जैसे सी एच ए आई एच चेयर टी ए बी एल ई टेबल, चेयर एंड टेबल। कहां से बनते हैं? लकड़ी से। नंबर थ्री टी वाई पी ई एस टाइप्स ऑफ एफ ए एम आई एल आई ई एस फैमिलीज। जब हमने फैमिली वाला चैप्टर रीड किया था उसमें हमने डिस्कस किया था, आपको बताया गया था कि फैमिलीज कितनी तरह के होते हैं, परिवार कितनी तरह के होते हैं। ऐसे तो बिग फैमिली, स्मॉल फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली भी बताया गया था। बिग फैमिली जिसमें मम्मी पापा के अलावा ग्रैंड पेरेंट्स, चाचा चाची, ये लोग सब मिलके एक साथ रहते हैं, और स्मॉल फैमिली में पेरेंट्स और चिल्ड्रन रहते हैं, ठीक है। तो आपको टू नेम राइट करने हैं कोई भी, जैसे बिग फैमिली स्मॉल फैमिली, बड़ी फैमिली बड़ा परिवार छोटा परिवार। नेक्स्ट है नंबर फोर F A M I L Y फैमिली M E M B E R S members, फैमिली members, फैमिली members जो हमारी फैमिली में रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं। आप कोई भी नेम राइट कर सकते हो, ठीक है। आपके चाचा चाची रहते हैं, अंकल आंटी हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, है ना। तो फैमिली members में मदर M O T H E R मदर, F A T H E R फादर। बेटा ये नहीं समझना कि मैम बार बार फैमिली के स्पेलिंग बोल रही हैं या मदर फादर इतना इजी है फिर भी बोले, लेकिन इसको, इसकी प्रैक्टिस हमें करते ही रहना है, ठीक है, नहीं तो आप भूल जाओगे, है ना बेटा। तो ये बार बार अगर आप लर्न करोगे तभी आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी। आपको भी अपनी कॉपी में ऐसे ही बोल बोल के राइट करना है ताकि आपको आधे से ज्यादा तो फिर उसी टाइम में लर्न हो जाता है। नंबर फाइव टी एच आई एन जी एस थिंग्स इन द क्लासरूम। अब बेटा सोच के देखो, जब आप क्लासरूम में होते हो, क्लासरूम के बारे में सोचो, वहां आप क्या क्या चीजें देखते हो। वहां तो काफी चीजें होती है ना, जैसे यहां पे आप बैठते हो, बैठ के राइट करते हो, बेंच डेस्क चेयर ब्लैक बोर्ड चॉक बुक कॉपीज स्टूडेंट्स टीचर होता है ना। तो आपको टू थिंग्स राइट कर देनी है जो आपको याद आ जाए, जैसे बी ई एन सी एच बेंच डी यू एस टी ई आर डस्टर, है ना। नंबर सिक्स एच ई एल पी ई आर एस हेल्पर्स इन आर स्कूल एस सी एच डब्ल्यू एल स्कूल। स्कूल में आपकी हेल्प कौन कौन करता है, स्कूल में आपकी हेल्प कौन कौन करता है, जैसे टीचर,
आप बस में आते हो तो बस बस वाले भैया और स्कूल में दीदी लोग आपकी सब लोग आपकी बहुत हेल्प करते हैं, है ना। तो यहाँ पे जैसे गार्ड, GURD, गार्ड, TEACHER, टीचर। नंबर 7, FESTIVALS, फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स क्या होते हैं? त्योहार। अभी अभी हमने फेस्टिवल्स का एक चैप्टर रीड किया था, उसमें हमने काफी डिस्कस किया था ऑनलाइन क्लासेस में भी और वीडियोस में भी कि कितने तरह के फेस्टिवल्स होते हैं, हम लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, आपको याद होने चाहिए। तो उसमें आपको टू नेम राइट करने हैं, जैसे होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, कोई भी राइट कर सकते हो जो इजी लगे। जैसे फेस्टिवल्स, EID, ईद, HOLI, होली। नेक्स्ट है NATION, AL, नेशनल, FESTIVALS, फेस्टिवल्स। तो उसी चैप्टर में हमने नेशनल फेस्टिवल के बारे में भी आपको बताया था कि हमारे 3 नेशनल फेस्टिवल्स हैं। कौन कौन से? रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती। और आपको ये भी बताया था कि ये हम लोग कब कब सेलिब्रेट करते हैं, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, तो नेशनल फेस्टिवल्स के नेम राइट करने हैं, तो यहाँ है GANDHI, गांधी, JAYANTI, गांधी जयंती, REPUVLIC, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती और रिपब्लिक डे। नेक्स्ट है RGRANDHI, ग्रैंड, PARENTS, पेरेंट्स, आर ग्रैंड पेरेंट्स। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स कौन है? ग्रैंड पेरेंट्स कौन होते हैं? जो हमारे मम्मी पापा के पेरेंट्स होते हैं उनको हम ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे दादा दादी, है ना। तो आर ग्रैंड पेरेंट्स में क्या राइट करोगे? ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, दादा दादी, ये कौन है? हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं। जैसे मम्मी पापा को हम अपने पेरेंट्स बोलते हैं ना, तो दादा दादी को ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है एंड लास्ट नंबर DIFFERENT, डिफरेंट रूम्स इन अ स्कूल। स्कूल में कई तरह के रूम्स होते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया था जब हम लोग स्कूल वाला चैप्टर रीड कर रहे थे, स्कूल में कौन कौन से रूम होते हैं? स्टाफ रूम होता है, प्रिंसिपल्स का रूम होता है, लाइब्रेरी होता है ना, तो क्लासरूम भी होता है, सबकी क्लास का अलग अलग क्लासरूम होता है। और ऐसे ही स्कूल में स्पोर्ट्स रूम भी होता है। आपको जो अच्छा लगे, जिसके स्पेलिंग आपको अच्छे से आते हैं, आप क्लासरूम, स्टाफ रूम, लाइब्रेरी कुछ भी लिख सकते हो। CLASS, क्लास, RWM, रूम। नेक्स्ट है SPORTS, स्पोर्ट्स रूम। तो बेटा ये इजी है क्योंकि हम लोग पहले कर चुके हैं, है ना। और इसको आपको EVS कॉपी में राइट कर लेना है और फिर इसको लर्न भी कर लेना है। ये नेम टू अब एक साथ हो जाएगा। जैसे आर हेल्पर्स, पोस्टमैन, डॉक्टर, थिंग्स मेड फ्रॉम वुड, चेयर, टेबल, टाइप्स ऑफ फैमिलीज, बिग फैमिली, स्मॉल फैमिली, फैमिली मेंबर्स, मदर, फादर, थिंग्स इन द क्लासरूम, बेंच, डस्टर, हेल्पर्स इन आर स्कूल, गार्ड, टीचर, फेस्टिवल्स, ईद, होली, नेशनल फेस्टिवल्स, गांधी जयंती, रिपब्लिक डे, आर ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, डिफरेंट रूम्स इन अ स्कूल, क्लासरूम, स्पोर्ट्स रूम। ओके, दैट इज ऑल।